जय हिंद साथियों, साथियों जितने सारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, जितने सारे अभ्यर्थी जो कि बिहार की भर्तियों में खासकर कांस्टेबल रैंक की भर्तियों के इंतजार में रहते हैं, क्योंकि कांस्टेबल की भर्तियां अभी बीच में देखी जाए तो कुछ गैप रही, अन्यथा लगातार बिहार सरकार भर्तियां लाते रहती है कांस्टेबल पद की। और बाकी दरोगा भी 17 से आप देख रहे होंगे, 17 से उसके बाद 2446, 2213 और फिर आ ही रहा है। आप लोगों को मैं कुछ दिन पहले भी बता चुका हूँ, तो बिहार के जितने सारे अभ्यर्थी बिहार की भर्तियों का इंतजार रहता है, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोग देखेंगे समझेंगे। और इतना जरूर जानिए कि ये जो भी चीजें क्लियर हुई है, जो ये नोटिस आया है, ये डिपार्टमेंटल नोटिस है, ये किसी ऑफिशियल साइट पर आपको नहीं मिलेगा। ये आपको मैं अपने ग्रुप में दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, और देख रहे होंगे अभी वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। और आपको पहले डेट भी दिखवाते हैं, आप डेट भी दिखवाते हैं, आधी के डेट में है। और जैसे ही कोई सूचना आती है, देखिए 8/9/2023, ये देखिए 8/9/2023, ये डेट भी आप देख रहे होंगे। आइए देखते हैं, समझते हैं। बहुत सारी भर्तियों का रोस्टर क्लियर हो चुका है, यानी बहुत जल्दी अभी बिहार पुलिस की एक भर्ती आई ही है 21,391 का पदों पे। उसके बाद भी बहुत सारी भर्तियां जिसके कि रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है, ये डाटा जो आप देख रहे हैं इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। साथ ही डायल 112 ERSS के फेज 1 सबसे पहले विषय में देख लेते हैं। बिहार पुलिस में बिहार पुलिस कर्मियों की नियमित प्रशिक्षण तथा आगामी नियुक्ति के आलोक में बुनियादी प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्रों की स्वीकृति के संबंध में, यानी प्रशिक्षण माने ट्रेनिंग सेंटर के संबंध में ये विशेष वीडियो है। यानी जब तक ये ट्रेनिंग सेंटर का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भर्तियां जल्द ही आने वाली है, तब तो जाके ये चीज हुआ है। तो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे, नोटिस होगी। गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार पटना के ज्ञापन कितना 15/09 दिनांक 1/2/2023 द्वारा ERSS के फेज 1 के लिए 78/8 पद, यानी डायल 112 की जो भर्ती आएगी 78/8 पद एवं गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार पटना ज्ञापन 16/74 दिनांक 3/2 सीधी नियुक्ति की कुल 48,447 पद एवं ERSS के फेज 2 में, यानी फेज 1 में एक ये आएगा 78/8 पद और कुल ये सीधी नियुक्ति के लिए 48,447, फेज 2 के लिए 19,288 पद एवं कुल 75,543 पदों का सृजन किया गया। उक्त सृजित पदों के साथ वर्तमान में बिहार पुलिस में पुलिस कर्मियों की कुल स्वीकृति बल 227,817 है। आगे देखते हैं नोटिस को, दूसरा कॉलम में क्या लिखा है। संगठनिक विकास में बेहतर पुलिस संघ की दृष्टिगत पुलिस कर्मियों को अनुशासनात्मक पेशेवर कुशलता एवं सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ गुणवत्ता प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है, उसी के बारे में लिखा गया है। वर्तमान में पुलिस में निम्न प्रशिक्षण केंद्र पूर्व से स्वीकृत है। सिपाही प्रशिक्षण केंद्र नाथनगर भागलपुर में, सिपाही प्रशिक्षण केंद्र सिमतुल्ला जमुई, सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र डुमराव, बिहार पुलिस अकादमी राजगीर नालंदा। आप देखेंगे कि उक्त पद सृजन के उपरांत आगामी वर्षों में होने वाले परिप्रेक्ष्य में बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या इतना में दिया गया है कि 200 देखिए पीए 9 में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस पटना, 1 में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस दूर डेहरी, आप बहुत सारी चीजें अब इसमें इंक्लूड हुए हैं। यानी आप देखेंगे कि उतनी बड़ी तादाद पे जब भर्ती आएगी उसके लिए ट्रेनिंग सेंटरों की भी संख्या ये देखिए बढ़ा दी गई है। यानी हर चीज लगभग लगभग अब क्लियर हो रहा है और जल्द ही आपको नई भर्ती देखने के मिलेगी डायल 112 की ERSS की। इन अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्रों में बुनियादी प्रशिक्षण के अतिरिक्त पुलिस कर्मियों पदाधिकारियों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण, प्रोन्नति एवं प्रशिक्षण, सेवाकालीन विशिष्ट प्रशिक्षण, दंगा निरोधी प्रशिक्षण, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का विशेष प्रशिक्षण, विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों यथा हवाई अड्डा, महत्वपूर्ण स्थलों में मेट्रो, रेल आदि की सुरक्षा हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण आदि निरंतर संचालित रहेगी। बहुत सारी चीजें आपको इसमें हर कॉलम में लिखा गया है और आप देख रहे हैं ज्ञापन कितना दिया हुआ है।
देखिए और डेट देखिए 8/9/2023 आज का डेट है। ये डिपार्टमेंटल नोटिस है और सेंटर पढ़ाया गया है। मुख्य रूप से आप समझिए मुद्दे पे आते हैं तो प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है, क्योंकि ऐसे भी बिहार पुलिस के कई सारे 391 पदों की जो भर्ती होगी बहुत बड़ी पद है, उसका भी उसको भी ट्रेनिंग में भेजना है। उससे पहले 84 से 15 वालों की भी ट्रेनिंग चल रही, कुछ दिनों में उनकी पीओपी होगी यानी पासिंग आउट परेड होगा। उससे पहले 11,880 की भर्ती थी, अभी दरोगा की ट्रेनिंग राजगीर में भी चल रही है 2213 पदों की, उससे पहले 2446 पदों की ट्रेनिंग हुई थी। तो साथियों देख रहे हैं लगातार जो भर्तियां इतने बड़े बड़े पदों पर आएंगी, जल्द ही फिर दरोगा की भी भर्ती आने वाली है। तो ये ट्रेनिंग सेंटरों को बढ़ाया गया और कहीं ना कहीं ये चीजें आपको ये बता रही है, ये स्पष्ट कर रही है कि हर चीज का रोस्टर लगभग क्लियर हो रहा है और जल्दी आप सभी को भर्ती देखने को मिलेगी। हम सभी युवाओं को और क्या चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, समय समय पर भर्ती आती रहे ताकि हम सभी अपना सिलेक्शन ले सके। फिर मिलेंगे साथियों और कोई नई जानकारी के साथ, खास जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।